अस्सलाम वालेकुम वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। व्यूअर्स, आज मंडे बतारिक 4 नवंबर 2024 सुबह की मार्केट है कराची फिशरी, और कराची फिशरी में सुबह के 7:30 का टाइम है, 7:30 AM। व्यूअर्स, एक ऑर्डर आया था नाजमाबाद से, और उनके उनकी डिमांड थी कि यार बहुत आउटस्टैंडिंग मछली देना। मैंने कहा पूरी कोशिश करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी क्वालिटी की मछली मुझे मेरे हाथ आ गई। और उनकी जो कटिंग का, इसमें थोड़ा डिफरेंट है कटिंग का। उन्होंने कहा था यार 4 टुकड़े करके मछली के स्लाइस करके फिर 4 टुकड़े करवाना। तो हर आदमी की अपनी पसंद होती है, कोई फिंगर करवाता है, कोई बोनलेस कटिंग करवाता है, कोई स्लाइस कटिंग करवाता है, और इन्होंने जो है बिल्कुल अलग तरीके की कटिंग कराई है। उन्होंने कहा था यार जो बड़े स्लाइस होंगे ना बीच के, उसके 4 टुकड़े करना, और जो छोटे स्लाइस हों उसके उसको रहने देना, जो दुम के से के स्लाइस हों वो वैसे ही छोटे होते हैं। वैसे व्यूअर्स, आज की मैं अपडेट्स दे देता हूँ, फिशरी में मछलियाँ नायाब हो गई हैं, ख़ास तौर पे फ्रेश मछली बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ज़्यादातर जो है वो पुराना कैच किया हुआ माल है, अच्छा जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी का माल है बहुत कम है। असल में एक्सपोर्टर उठा लेते हैं, ज़ाहिर है उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और हमारे यहाँ लोग दे नहीं सकते, अच्छा माल तो वही उठा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत दाने आते हैं मार्केट में, तो ज़ाहिर है उसके लिए क्या कहें, मारामारी, हर आदमी लेना चाहता है उस क्वालिटी का माल, तो वो क्वांटिटी में कम है। वैसे अगर आप आएंगे तो आपको माल फिशरी से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन ए ग्रेड का माल बहुत कम है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बहुत कम आपको मिलेगा। और अभी ये हाल है, पता नहीं आइंदा क्या होगा। वैसे ही सर्दी में तो मछली वैसे ही नायाब हो जाती है। हर मछली जो ट्रिपल ए ग्रेड बोले, ए ग्रेड बोले, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो नायाब होती जा रही है फिशरी में। और थोड़ा सा भी 19-20 हो जाती है तो फिर वो आपको ऐसी मछली वाफिर मिकदार में मिलेगी। आप देखें, मछली देखें, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब देखें कितनी ताज़ा है, ये रात की शिकार की मछली थी जो मेरे हाथ में आ गई, मैंने बंदे को डिलीवर की नाजमाबाद में। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसी किस्म की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह सुबहानहू व तआला सबके लिए आसानी करे। अल्लाह हाफिज़।